दोस्तों, अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि WhatsApp के अंदर इस तरीके के बड़े और WhatsApp से अलग इमोजी कैसे सेंड करते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि WhatsApp के अंदर हमें इस टाइप के इमोजी नहीं मिलते हैं, ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और WhatsApp के अंदर जो इमोजी होते हैं ये उनसे काफ़ी अलग हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि WhatsApp के अंदर हमें इस तरीके के बड़े और WhatsApp से अलग इमोजी कैसे मिलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि WhatsApp के अंदर आपको ऐसे बड़े इमोजी कैसे मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो डेली आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के इमोजीज अपने WhatsApp के अंदर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का आइकन है इमोजी स्टिकर नाम से, तो आप ये प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इमोजी स्टिकर्स के अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी टाइप की इमोजी स्टिकर के रूप में अपने WhatsApp के अंदर ऐड करनी हो, आपको उसके सामने ये जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करना है। जैसा कि अभी देखिए ये वाली इमोजी है, हमें WhatsApp के अंदर ऐड करनी है, तो इसके सामने ये जो प्लस का आइकन है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक 5 सेकंड का ऐड चलेगा, तो आपको थोड़ा सा उसका वेट करना पड़ेगा जिससे ये ऐड बंद हो जाए। उसके बाद आप इन स्टिकर्स को अपने WhatsApp के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखिए WhatsApp यहाँ पर एक क्लोज का निशान आ गया है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं 2 WhatsApp यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 WhatsApp को मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। इसके बाद हमें ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाले स्टिकर्स हमारे WhatsApp के अंदर ऐड हो जाएंगे। चलिए मैं WhatsApp ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए WhatsApp आ चुका है, खुल चुका है। तो इन स्टिकर्स को सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इमोजी आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको नीचे की तरफ एक स्टिकर्स का आइकन मिलेगा, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से स्टिकर्स मिल जाएंगे। तभी हमने ये वाला ऐड किया था, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी स्टिकर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें जो भी सेंड करना है अपने दोस्त को, आपको उस स्टिकर पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो स्टिकर है हमारे दोस्त को सेंड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टिकर सभी ऐड किए थे वो काम कर रहे हैं, वो सेंड हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप WhatsApp पर बड़े वाले इमोजी स्टिकर्स के रूप में सेंड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।